हमसे बात कर लेते हैं सर। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी जानेंगे सर इस सीट शेयरिंग पर। देखिए, जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ है, सारे ये जो समीकरण है उसको ध्यान में रख करके दलित है, ओबीसी है और लोगों का और क्षेत्रीयता का भी रखा गया है ध्यान, और सबसे पूर्ण रूप में विचार विमर्श के उपरांत ये बातें आई है। और हम समझते हैं कि इस सीट शेयरिंग में हमारे जो पार्टी है, पार्टनर है, उनको किसी प्रकार की कोई इफ बट नहीं है। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है जो सराहनीय है, इसका हम रिजल्ट पर प्रभाव आएगा। हम लोग निश्चित रूप में अधिक से अधिक सीट, हम तो कहते हैं कि 400 सीट पर हम लोग जीतेंगे। सर, गया और औरंगाबाद तो क्लियर हो गया है, तीसरा कौन सा है? क्या गया औरंगाबाद हो गया, फिर आप जहानाबाद नवादा आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद जमुई देख रहे हैं, दो विधानसभा उपचुनाव है उसका भी सबका नाम तो आ गया है सामने। एक चीज और ये कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी जी तीसरे नंबर पर है महागठबंधन में, लेकिन कहीं ना कहीं सीटों के मामले में लगता है थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया है। नहीं, पार्लियामेंट के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भले नंबर की बात आती है तो लगता है कि आरएलएस को 5 मिला है, लेकिन प्रकारांतर से आप देखिए, जीतन मांझी को 3 लोकसभा, 1 विधानसभा का उपचुनाव और 1 विधान परिषद, 5 तो जीतन मांझी को ही मिला है। तो कहने का मतलब कि जो महागठबंधन में हमारी महत्ता है और हमारा महत्व है उसको अक्षुण रखा गया है, हम उससे संतुष्ट हैं। आपके औरंगाबाद सीट लेने के बाद कांग्रेस में बहुत हंगामा हुआ और वहां पर तो अर्थी जुलूस भी निकाले गए, निखिल बाबू ने काफी आपत्ति जताई है, किस तरह से देखते हैं? अब उनकी बात है, वो रहे हैं, जीते हैं, वहां परंपरागत सीट उनकी रही है, लेकिन जब हमारे पल्ले में वो आया तो हमने सामाजिक समीकरण को देखा, वहां पर पिछड़ा अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, ये सब एक पक्षीय वहां वोट करने वाले हैं। अब इनकी संख्या वहां 75% है या 80% है, तो 80% को ध्यान में रख करके हमने कैंडिडेट दिया है जिसका वहां सब जगह से स्वागत हो रहा है। रही बात जिनकी सीट कटी है, उनको तो थोड़ा तकलीफ होना ही होना है, और उस रिएक्शन में अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनकी बात है। हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी में ये सब कोई इजाजत नहीं है, शांतिपूर्वक जो डिसीजन होता है उसको मानना चाहिए। और जहां तक एक जाति विशेष का मामला है तो उसमें हम कह सकते हैं कि महागठबंधन में जो सीटें मिली है, कोई जरूरी नहीं है कि औरंगाबाद में वहां देखा जाए, बिहार एज ए होल देखा जाएगा तो उस समाज को पर्याप्त सीट मिली है, और हम समझते हैं कि उन लोगों को संतोष करना चाहिए। और अगर समस्त बिहार की बात अगर करते हैं, सभी पार्टियों की बात अगर करते हैं, तो हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा सीट उनको मिली है, और हम समझते हैं कि उसके बाद उनको किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करना चाहिए। फेज वाइज आप लोग नामों की अब घोषणा करेंगे? हाँ, फेज वाइज का नाम का घोषणा हम समझते हैं 24 तारीख को फिर बैठक होगी, उसमें सेकंड और थर्ड पर भी विचार किया जा सकता है, और हम समझते हैं कि इसी तरह से पहले चले, हम लोग तो कहते थे कि भाई पहले चले एनडीए, लेकिन हम लोग तो एनडीए से आगे हो गए, वो तो अभी नाम घोषित नहीं किया है, इवन फर्स्ट चरण का भी नाम घोषित किया, हम तो आगे घोषित कर दिए, तो उसी प्रकार से फिर हम लोग 24 को विचार कर करके घोषणा कर दें। ठीक, थैंक यू, ठीक, कट कर दीजिए।